जुलाई से हो गए हैं कोर्ट मैरिज के लिए नए नियम लागू, और ये जो नए नियम लागू हुए हैं इसमें कोर्ट मैरिज करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, और जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए तो ये नियम बहुत ही फायदेमंद है। अब आप डायरेक्टली भी कोर्ट मैरिज रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो वो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले तो अपनी धार्मिक तरीके से आपको शादी करनी है, उसके बाद हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है वहां पर जाना है और अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा देना है। अब आपको हम ये भी बता दें कि आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन वीडियो से, ग्राम सचिव से और तहसीलदार से भी करवा सकते हैं, आपके एरिया के मजिस्ट्रेट से भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आपको ये और बात बता दें कि ये नोटिफिकेशन आया है 12 जून को स्टेट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट से। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि पहले आपको धार्मिक तरीके से शादी करनी होगी, उसके बाद आपके जो 6 फोटो है वो चाहिएंगे, मांग भरते हुए, माला डालते हुए, फेरे लेते हुए, इस तरह के आपको फोटो लेने हैं। 2 विटनेस होने चाहिए जो 18 साल से ऊपर हो, और उसके बाद आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र में हैं, पुणे में हैं, और आपको लिविंग सर्टिफिकेट बनवाना है, मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना है या कोर्ट मैरिज करनी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इजिली ये सब करवा के देंगे। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा, और आपकी अगर कोई क्वायरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद।